हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आसमा शिराज़ी प्रोग्राम है फैसला आपका बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज मियां नवाज शरीफ साहब ने उम्र की अदायगी के बाद या सऊदी अरब के दौरे के बाद भी आ, चुप का रोज़ा तोड़ा है और उन्होंने काफ़ी अहम बातें की हैं एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं जिससे उन्होंने खिताब किया बहुत सी बातें उसके ऊपर हम आएंगे कैबिनेट का अजलास भी हो रहा है आ, हुआ थोड़ी देर पहले और अमेरिका की तरफ से धमकियां भी हमें सुनाई दी जा रही हैं और उसके हवाले से अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों में एक्शंस का भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा गया है आ, बहुत सारे मौजूद हैं पाकिस्तान को करना क्या है रद्दमल क्या है काबीना में अहम फैसले क्या हुए हैं हमारा जो कल का रद्दमल था उस में ये क्यों कहा गया कि हम कोई भी फैसला जो है वो जल्दी में नहीं करेंगे क्या ये एक नरम लहजा है ये एक डरा लहजा है ये तासुर उबर रहा है आ, क्या हो सकता है अगर अमरीका पाकिस्तान पर हमला करता है सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं या किसी और तरह की स्ट्राइक्स होती हैं ड्रॉन स्ट्राइक्स होती हैं तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा पाकिस्तान कैसे जवाब देगा उस रद्द अमल का और पाकिस्तान के पास सलाहियत भी है और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी है आ, पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे बलोचिस्तान में भी पॉलिटिकल सिचुएशन अगेन जो बन रही है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे शख्सियत आज हमारे पास एक है और वो कोई और नहीं पाकिस्तान के इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट वज़ी दिफा जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब सलामकूम मैंने कहना बहुत कुछ था मैंने सुनाना भी बहुत कुछ है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त कैबिनेट मीटिंग आप वहाँ से उठ के आए हैं क्या फैसले हुए जी कैबिनेट में एक तो वजारत ख़ारजा की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और सेक्रटरी खारजा ने भी कैबिनेट को ब्रीफ किया है जो भी मुजमरत थे जो परसों डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था और उसके बाद कल जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है. उसके जो नतज थे उससे काबीना को आगाह किया है और काबीना को भी बताया कि हम इसको जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको बहुत करीब से और क्लोजली वॉच कर रहे हैं निगरानी कर रहे हैं उसकी आ, और अगर कोई ऐसी जरूरत आई काबीना को कन्वीन करने की तो हम करेंगे दोबारा कन्वीन मगर अमेरिका को आपने कहना क्या है उनका जो रद्द अमल है वो जो उनका कहना है वो तो बड़ा ही सख्त है पाकिस्तान के खिलाफ और ट्वीट भी बड़ा सख्त है एक्शंस की भी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान का जवाब जी नरम नहीं, मैं आ, आपके से आपके नाजरीन से एक अर्ज करूंगा हमें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अगरचे उसको हमें गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए लेकिन अमेरिका में जो पॉलिसी साजी है उसमें अब एक ये ट्वीट जो है वो एक अभी उसका रोल वाज नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा जो वेट अगर है तो वो उन, उन पॉलिसीज का है जो सदर ट्रम्प ने अगस्त में पहले अनाउंस की अभी उन्होंने अपनी ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है और इस ट्वीट की अगर कोई भी अहमियत है वो उस तनाजुर में है कि पहले उन्होंने ये तक तकारीर की अभी उनके नायब वजी खारजा माइक पेंस हैं वो तशरीफ तो लाइब वजी नायब सदर जो थे और उन्होंने काबुल में बगराम एयरबेस में उन्होंने एक तकरीर की उनका में पाकिस्तान को नोटिस कर दिया तो ये एक लाइन आ रही है, है एक तो सीक्वेंस है इन, 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 इनका इसमें हमारा जो जवाब है जो बुनियाद है वो भी एक अमेरिकी सदर ने कहा था ने स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक तो कौन सी हमारे पास बिग स्टिक है हमारे पास हमारे पास अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है हुँ. आज ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक दौरे पे थे उन्होंने वहां भी ये कहा है कि पाकिस्तान का दिफा बिल्कुल नाकाबले तस्खीर है। अच्छा आप ये कह रहे और... हैं कि अभी एक ट्वीट आया है इसके अलावा कुछ नहीं या जो भी है मैं, मैं सुन रही थी सारा सेंडर्स को आपने भी सुना होगा डेफिनेटली वो तो कह रही है कि जी हमने एक्शंस लेने हैं पाकिस्तान के खिलाफ और सदर जो कहता है मैं सुनवा दूं अगर आपको तो जी जी सुनवा दे जरा सुनवाइएगा सारा सेंडर्स जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है ट्रंप साहब की वो क्या फरमाती है is a president who uh, does what he says he's going to do. We know that Pakistan can do more to fight terrorism and we want them to step up and do that. In terms of specific actions, uh, I think you'll see some more details come out on that in the next 24 to 48 hours. actions action <laughs> जो है जो एक फौजी इमदाद के तहत फॉरन मिलिट्री फाइनेंसिंग होती है उसके तहत जो है वो हम रोक रहे हैं वो ऑलरेडी और और कांग्रेस में वो रुका हुआ है तो वो कोई नई खबर नहीं थी हमारे लिए और ये हम इसको बहुत अरसे से इसकी इसको वॉच कर रहे हैं अगस्त के बाद से बड़े क्लोजली उनके पास मुख्तलिफ हैं जिनमें सबसे पहला प्रेशर जो है एक तो स्वार्थी प्रेशर है ये जो बयान के जरिए होता है दूसरा जो हमारे लिए अहम है वोशी प्रेशर है कि पाकिस्तान में मुख्तु हवालों से अभी भी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अमरीका ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर होने के बावजूद उसको रिवाइज नहीं किया और वो समझते हैं कि अभी भी उनका खतरा है तो वोशी तौर पर हमें प्रेशरइज कर सकते हैं और तीसरी ऑफकोर्स उनके पास ये जो हमें जो मामला है और कुछ पेड पार्ट का मामला है ये मैं आपके नाजरन पर वाजे कर दूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो रही है पिछले तीन साल से अमेरिका ने पहले ही हमारी फौजी इंदाद हर किस्म की जो है उसमें उस उस ना होने के बराबर तो जी वो ये कहते हैं कि यूनिलैटरल अटैक हो सकता है अमेरिका की तरफ से तो इसका तो मतलब ये कि या तो ड्रोन अटैक होगा या कोई स्ट्राइक देखिए कहूंगा देखिए सदर ट्रंप जो है वो एक पारा सिफ्त आदमी है इम्पलसिव है ठीक है लिहाजा हम उस वो जो यूनी लेटरल मिलिट्री एक्शन है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो नहीं होगा लेकिन उसका इम्कान कम है क्योंकि अमरीका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान ने जो ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो जो ऑफर की हुई हैं उनकी इस वक्त पहले से भी ज्यादा जरूरत है और उसकी वजह यह हुई है कि सदर ट्रंप ने आके ईरान के साथ जिस किस्म की है तो वो जो उन, उनका चाबहार को करके कोई अमरीका का सामान चला जाएगा वो दरवाजा बंद हो गया इसी तरह जो अमेरिका और रूस के दरमियान जो तनाव रहा है और दूसरा जो है जो उनके पास नॉर्दर्न रूट था वस्ती एशिया के मामालिक से वो रूस के प्रेशर की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि किसी किस्म के कोई हथियार नॉर्दर्न रूट से नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है 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 कि अगर आज जो है, वो हम पे डिपेंडेंट आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बहुत हद तक जो यही है, तो वो कह रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो पाकिस्तान कर सकता है उससे बहुत ज्यादा लेकिन वो नहीं कर रहा। नहीं हम 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 बहुत क्या नहीं कर रहे मैं ये कह देखिए फौजी अमरीत ने जो प्रेज मुशरफ की अमरीत थी उसने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं एक ऐसी मुश्किल लेगेसी अमेरिका के साथ कि देखें, आ, जो है वो एक बड़ा मुबम सा एक एमओ किया ये ग्राउंड लाइंस के बारे में 2002 में और वो एक्सपायर हो गया उसके बाद आके 2012 में सलाह के बाद ये, ये हुआ था उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया जा ने किया पार्लियामान में आपको मालूम है कई हफ्ते इस पर बहस हुई उसके बाद जो है जो जिस चीज का कोई कागज नहीं है और वो बहुत अहम सपोर्ट है वो एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है इसके ऊपर इतनी गुफ्तगु नहीं होती लेकिन पाकिस्तान का तकरीबन आधा एयर स्पेस जो है हमने अमेरिका को खोला खोल कर दिया हुआ है अभी भी अभी भी अभी भी दिया हुआ है और ये बात उनको मालूम है अच्छी तरह तो हमारा हम... यानी जो मुशरफ साहब ने एयर स्पेस दिया उसके बाद से पाकिस्तान मतलब मुशरफ के जाने के बाद से भी वो उसी तरह से जी, का इवन इस्तेमाल बगैर किसी के जब ग्राउंड ऑफ कंट्रोल को बंद किया गया उस वक्त भी एयरलाइंस खुली हुई तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप, आप बंद करें मैं मैं यही अर्ज करूं कि हम इन तमाम हमारे पास ऑप्शन और भी हैं लेस हैं लेकिन बजाय कि हम इस पर बात करें कि जी पाकिस्तान पर हमला होगा या पाकिस्तान अपने ऑप्शन इस्तेमाल करेगा इस वक्त अभी भी एक मिलिट्री हमले का इम्कान अगरचे मौजूद है लेकिन कम है इट इज प्रोबेबल बट अनिस्टरबल ब इसमें कोई का हमें बिल्कुल कहीं से भी जो है ना वो जरूरत नहीं है पाकिस्तान को ये मामला चूंकि बड़े अरसे चल रहा है और इशू एक ये भी है जो हमने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी हाईलाइट की बड़ी अहम बात है कि उनके जो दो अहम तरीन वजारा तशरीफ लाए वजी खारजा भी और उसके बाद मेरे हम मनसब हैं वजीर दफा जेम्स मैटिस उनके साथ एक हम समझते हैं कि एक महजब पैराहे में गुफ्तु हुई थी पर्टिकुलरली जेम्स मेटिस के साथ तो चूंकि वो यहाँ जनरल रह चुके हैं वो पाकिस्तान का अच्छी तरह जानते तो एक मुस्बत और तामीरी गुफ्तगु हमारा हमारा हमें ये इम्प्रेशन मिला उन मुलाकातों से कि एक सदर ट्रंप की पिछली तकरीर के बावजूद जो उन्होंने अगस्त में की थी एक मुस्बत तो और तामीरी गुफ्तु का आगाज हुआ है।, सही है लेकिन जो तकरीरें हो रही हैं वो तक हैं और धमकी आमेज हैं। हमने अमेरिका को ये कन्वे किया और जो परसों जब उनके सफीर को बुलाएगा कि सफारतकारी और देखिये इस सारे मामले में जो बात हमें भूल जाती है मकसद अफगानिस्तान में अमन कायम करना है सारे, सारा खेल जो है या सारी गुफ्तु उसके लिए हो रही है तो अगर अफगानिस्तान में अमन कायम करना है तो धमकी और तोहीन अमेज बयान से तो अमन कायम नहीं होगा यानी पाकिस्तान. पाकिस्तान फिर हेल्प नहीं करेगा वहां पर मजीदेगा इसमें बड़ी बड़ी हमने ठोस बातें हम, की है जो अमरीका के साथ इशूज है बस एक इशू यह है कि हमने बाढ़ लगाना शुरू कर दी अमरीका कोई पाकिस्तान ने जाहिर है कि बहुत पे है हमने सत्तर हजार लोग अपने गिमा दिए कहा कि हम उसके बावजूद अपनी बात लोगों को नहीं समझा सके कि हम क्या कितना कुछ हम खो चुके हैं लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है मैं प्री साइज क्या हम पाकिस्तान क्या हमले की सूरत में देखिए हमारे पास या उससे पहले उससे पहले हमारे पास ऑप्शन जैसा मैंने कहा ना सिर्फ जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का ऑप्शन है बड़ा सप्लाई लाइन बंद करेंगे जमीनी दिके रास्ता दिके मैं, मैं, रास्ता। मैं, ये नहीं ये नहीं कहना चाहता कि हम ये करेंगे क्योंकि ये वक्त से पहले है और सिचुएशन अभी उस उस नहर तक नहीं आई कि हम लेकिन उसके बाद और भी जो बहुत सारे हम डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन करते हैं हम इंटेलिजेंस फैसिलिटेशन करते हैं देखिए अमेरिका को इन 16 सालों में अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी पसपाई और हजीमत का सामना करना पड़ा अगर उन्हें इन 16 सालों में कोई एक कामयाबी हुई है उसामा बिन लादन के वाक्य के बावजूद वो ये था कि इस खत्े से अलकायदा खत्म की और वो पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी हर कदम पर पाकिस्तान ने अमेरिका को इंटेलिजेंस ताबन दिया और वो वाह चीज है जिसको वो क्लेम कर सकते हैं तो एक तो भी है, और भी बहुत सारी डिप्लोमेटिक फेसिलिटेशन हम करते जो कि हम हैं जो हम अफगानिस्तान के हमसे और मेजर जो तमाम मवासलात है पाकिस्तान के तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन मैं यही समझता हूँ कि बजाई की हम ये लिस्ट करें कि हमने हम क्या क्या कर सकते हैं हमारा इस वक्त फोकस क्यों, इस क्यों इस हम ना करें हमारा I mean, हमारे पे डिपेंडेंट होन, होने डिपेंडेंट आप, आप बे, ये, ये ये होने के हम बहुत ज्यादा हमारी रियासत या हमारी जो है, वो अमेरिका से डर गई है एक पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि जिस तरह की जुबान ट्रम्प साहब इस्तेमाल कर रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं 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 हम हेस्ट में कुछ नहीं करेंगे सर हम जल्दी में नहीं है तो आपने जमात उद्दावा के खिलाफ तो कार्रवाई उसी

हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे और जिस जिसके खिलाफ भी सबूत आएंगे वो हम करेंगे यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ जमात दावा नहीं जितनी और ऑर्गेनाइजेशन मसलन ये एविडेंस बेस्ड है ना सारा मामला कि हमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन है पाकिस्तान ने एक कमिटमेंट दी हुई है अगेंस्ट एंटी टेरर फाइनेंसिंग तो उनके शवाहद के ऊपर है हम भी जब वहां से शवाद आते हैं तो हम भी उसकी लोकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जैसे जैसे वो आएंगे उसके जिनके खिलाफ शवायद होंगे और ये भी मैं कह दूं कि जो भी अमल होगा वो पाकिस्तान के कवानी और अदालतों के तहत होगा जमात दावा के खिलाफ आप कह रहे हैं पहले से एक्शन हो रहा है अभी से नहीं नहीं मैं, जम, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लूंगा आपने कहा एक्शन तो हो चुका है नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ हमने किसी एक जमात का नाम नहीं लिया हमने जहां जहां भी ये फैसला चंद माह पहले किया गया था कि जिन जिन तनजीमों के खिलाफ एविडेंस आएगी हम उस पर उनके खिलाफ जिसमें कि जो डॉन लीक्स वाला मामला था और आज बाय द वे वियाँ साहब ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि मैं तो कहता था कि मैं खबरदार करता था और जब हम कहते थे घर इन ऑर्डर करें तो फिर डॉन लीक्स जैसी चीज़ें हमारे ऊपर थोपगी दी गई उन्होंने उनों, उन्होंने एक बात की और वो ये कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका चुँ कि जमहूरी हुकूमतों का मुहासरा तो जारी रहेगा अभी हमें हम ये अगर खाम ख्याली होगी कहना कि जी मुहासरा नहीं होगा जमहूरी बहरहाल बांटन दो हजार नौ में तशरीफ तश्री, लाई थी ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है ये जरब अजहब और रदाद के बाद का पाकिस्तान हुँ। है हुँ। जिसने अपने अमल से साबित किया कि हम कितने संजीदा हैं दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने में अपने, अपने मुल्क को साफ किया हमने कराची को साफ किया हमने इलाकों के ऊपर हाँ। होता है तो सेटल्ड में, सेटल में तो रद्द हम, 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 हम नहज तक मामला को नहीं जाने फर्ज किया जैसे उसामा बिन लादिन के लिए प्लेन आए हेलीकॉप्टर आए थे जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी हमें नजर नहीं आए अब अगर ऐसा कोई ड्रॉन अटैक होता है सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, में तैयार है मामला पाकिस्तान के अपने सारे एक्शन जो हैं वो लीनिएट कर दें मीडिया के ऊपर तो ये दुरुस्त नहीं है लेकिन पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चौकन्नी है पाकिस्तान की जमीनी और फजाई और बहरी तीनों जो हमारी सरहदें उनकी हिफाजत कर रही हैं और जो उसामा किया वो उसके बाद से हमने बहुत सबक भी सीखे तो हम जो है निगरानी कर रहे हैं मकसद ये सिर्फ ये हमले का जवाब देंगे तो सोचने में यह कहा है कि हम हर लिहाज से तैयार हैं लेकिन मामला यही है कि हमें अमेरिका को यह बावर कराना है और हमने दो दो बातें की एक तो उनका यह कहना कि जी कोई शूरा है या पिशावर शूरा है हमने उनको वाजे किया है कि हिलमंद शूरा की फिक्र करें आप आप इसकी फिक्र ना करें दूसरी बात जो अहम तरीन है जो कि एक फैक्ट है और वो ये है कि तैतालीस फीसद अफगानिस्तान उनकी हकूत और अमरीका के कंट्रोल में नहीं है, बात है। उसको उसका भी तो फिर अगर वाकई उन्होंने उन लोगों को तलाश करना है जो उनके बकौल अफगानिस्तान पर हमले कर रहे हैं तो वो उन तैंतालीस फीसद इलाकों की फिक्र क्यों नहीं करते ठीक बजाय मदद बेकुण, करें बिल्कुल साहब इसमें कोई शुभा नहीं कि वहां पर दाइश भी बढ़ रही है और ख़तरात हर तरह के लेकिन इस वक्त तो हमारे घर की बात हो रही है इस वक्त तो हमें आ, हमले हमारे ऊपर बात करने की बात की जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत का जवाब अगर इतना ही मोहतात रहा तो आवाम जो परसेप्शन ले रहे हैं वो परसेप्शन और ज़्यादा मजबूत होगा कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान तैयार है हमला हमले का जवाब देने के लिए तो वो किस हद और तक जा सकते हैं खड़ी है और पार्लिमान बिल्कुल पार्लिमान खड़ी है कल पार्लिमान कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी है सिक्योरिटी का जिसको कमेटी का और स्पीकर उसको चेयर भी करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे कि हम अपना घर क्यों सीधा नहीं करते ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हम बात कर रहे थे कि अपना घर इन ऑर्डर करने की और ये बात पाकिस्तान के सियासतदान भी करते रहे हैं पाकिस्तान के सबक़ वज़ी अजम ने आज भी ये बात की है बहुत ही धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं आपको क्विकली एक उनको चलाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुरम साहब से कुछ और अहम है ज़रा सुनिएगा मियाँ साहब ने क्या कहा बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ कहता रहा हूँ कि हमें अपने घर की खबर जरूर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती? लेकिन मेरे इस गर्मंदाना मशरे को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता रहा बल्कि इसे कभी डॉन लीग्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी गुलवती पर सवाल उठाए गए इसी साल 2018 में इंतबात हो रहे हैं आज भी एक बार फिर माजी के किसी फरसूदा असूल पर काम शुरू कर दिया गया है कि अवाम की राय का रुख मोड़ दो इंजीनियरिंग के जरिए किसी जमात का रास्ता रोक लो और किसी लाडले चहेते का रास्ता हमवार कर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक दीगर जमातों के मजमू वोट बैंक से भी अलहमदिल्ला ज़्यादा है इस हकीकत से ख़ौफ़ज़दा लोग इस हकीकत को बदलने और अपनी मर्जी का रुख देने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं और किसी लाडले के लिए हर रोज़ एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए बोतान, इल्जाम धरनों की सियासत करते हैं और जिन्हें अवाम इलेक्शनों में बार बार मुस्रद कर चुके हैं उन्हें थपकी देकर कौम पर मसलत करने के मनसूबे ना बनाए अगर पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहद कौम के सामने रख मैं बताऊँगा कि अब क्या कुछ हो रहा है और किस तरह अमल पर अपनी मर्जी करने की कोशिश की जा रही है साहब, आपका कमेंट क्या है सर सबसे पहले तो डॉन लीक्स की उन्होंने आज तस्दीक कर दी जी उन्होंने तो अपने पराये में बात की है उसी महासरे की बात की है जो जारी रहता है जमुखी हुकूमतों का बहुत हवाले से एक लेगेसी है पहली अफगान वॉर की जब अमेरिका ने और एक और हमारे दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए तंजीमों को खड़ा करने के लिए जिन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर उन्हें फिर अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया उस वक्त के सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए ये वो लेगेसी है जिसका आज तक हमें सामना है कि जब उनके पास उन तंजीमों के पास हथियार चले गए उनको ट्रेनिंग दी गई हमारे इदारों की तरफ से उस जो ये जो कहना चाहिए एक बड़ी गंभीर वरासत है उसका हम आज तक सामना कर रहे हैं जरब अजब में और फसाद में हमने बहुत हद तक सफाई कर दी और अभी अगर जो चैलेंजेस बाकी हैं वो यही हैं कि एक तो जो इश्यूज हैं कि जो कुछ उनकी बाक़ियात हैं वो अब बिखरे हुए हैं पूरे मुल्क छोटी थोड़ छोटी कोई हो गया लेकिन जो मियाब कह रहे हैं हमें, मैं जब ये कहता था, तो हम पे लीक्स जो है, वो थोपी गई और हमें हु, हमारी हुबुल वतनी को चैलेंज किया गया मतलब आप बताइए की मतलब उनका मुखातिब कौन है वो किसको ये बात कह रहे हैं ये सब कुछ उनके मुखातिब का जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं हमारे सामने हक है हमारे सामने हक है कि एन ए एक सौ बीस में मुस्लिम नून के सामने कौन लोग खड़े किए गए हमें हमारे सामने खड़े हुए और किस तरह उनको उनको पास मुनजम एक फोर्स मौजूद थी जो जिन्होंने इंतख्या लड़ा उसके बाद हमने यहाँ इस्लामाबाद में देखा एक जो धरना हुआ जब मैं यहाँ सा बात करते ना कि दुनिया हमें किस नजर से देख दिया हम चाहे मजाक में उसको उठाएंगे जी वो किस किस्म की वहाँ गुफ्तु हो रही थी उस धरने में और क्या हुआ लेकिन मैं उसी जब ये धरना शायद अपने एक पीक से पहले आ, मैं सऊदी अरब में था और वहाँ मुख्तलिफ जो वज्रा दफा मेरे जो कॉलीग थे वो अब हर एक मुझसे ये पूछ रहा है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ है इस्लामाबाद क्यों बंद हुआ है अब आप मुझे बताइए मैं क्या जवाब दूँ ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को बंद किया आपके है? ख्याल में कौन लोग थे जी ये, ये ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ हवालों से उन्हीं के ये जिस मैंने गंभीर वरासत की बात की है उन्हीं के ये टुकड़े हैं ना किन ने? की विरासत कौन लोग देखे ना जिन 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 लोगों को आ, हम हमने सेड अमेरिका की फंडिंग के साथ ट्रेन करके अफगानिस्तान में लड़ाया आ, ये तो वो था ही नहीं ये तो बरेलवी मकतब आए हमें उन 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 उन्हीं उन, की ये उन्हीं के कनेक्शंस हैं ये हर जगह कनेक्शन हैं सिर्फ ये नहीं ये कहना कि जी ये ये वाले लोग थे और वो नहीं थे हुँ. एक बड़ा वसी आ, अभी तक मुनजम आपने कहा मुनजम मैं आपको ये आ, आपका इशारा कुछ मुनजम मैं आपके नाज़रीन से ये जरूर बात करूंगा कि जो पहली अफगान वॉर थी जो जनरल ज़िया के दौर में लड़ी गई अभी तक उसकी तारीख ही पाकिस्तान पर वाजे नहीं हुई कि क्या क्या, क्या हुआ किस किस तरह से ये मामला वो तो वाजे है कि जनरल हक हाँ। ने और चंद जर्नैलों ने अपने डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को गिरवी रखवा रखवा दिया दिया और जनरल ने अगेन वो, भी ये तो सब वाजे है लेकिन अब वो हालात नहीं है उस उस और बंदूकों का जो फैलाव था वो हम तक हम पर वाजे नहीं हुआ आज तक कि वो कहां कहां तक गया और आ, किस तरह जो है और वो ये तो, पाकिस्तान से आ, उस, होता उस, रहा। नहीं, नहीं उस वक्त तो रियासत की सपोर्ट से होता उस वक्त रियासत तो की, की सपोर्ट थी और इसी चीज का नवाज शरीफ जो उस वक्त थे उन्होंने दिया कि अब हमें इस विरासत से फैसला कुन तौर पर जान छुड़ा लेनी चाहिए और वो जान नहीं छुड़ा सके जी उन्हें खुद जाना पड़ गया उन्हीं के हाथ हो जाना पड़ा खुद नहीं ये मैं नहीं दिखाऊंगा किसके हाथों लेकिन बार उन्हें खुद जाना पड़ गया मैं मैं नाजरीन अगेन एक टाइम चेक के लिए छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक के बाद इस पर बहुत खुल के बात ज़रूर हम करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान के रिएक्शन के और अगर चौबीस से अड़तालीस घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अभी डी जे आस पी आर के भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अमरीका के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे इतिहादी हैं और दोस्त हैं आप अमरीका को अभी भी दोस्त तो कह सकते हैं अभी भी इतिहादी कह सकते हैं आई I मीन mean, किस किस्म का ये रिएक्शन है कि पाकिस्तान की कौम ये तासर ले रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसलिए आप कह रहे हैं माए बाप सब ठीक है नहीं देखिए ये ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही एक सिंपलिस्टिक बात है ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते आ, पाकिस्तान की अफवाज मजबूत हैं इस वक्त गालिबा दुनिया में काउंटर टेररिज्म की सबसे हाईली ट्रेंड अफवाज पाकिस्तान के पास हैं जिसमें एक एक फौज की यूनिट जो कई कई रोटेशंस पूरे मुल्क में कर चुके हैं तो बड़ी हाईली ट्रेंड फोर्सेज हैं एयर फोर्स ने भी चूँकि इस जज्बे में हिस्सा लिया था दे आर ऑल हाईली ट्रेन हमारी नेवी जो है वो अभी भी जो टेररिस्ट टास्क फोर्स है उसका हिस्सा है तो हमारी तीनों अफवाज जो है बड़ी बड़ी फुरी तरह ट्रेंड है इशू सिर्फ यही है कि किसी भी तरह का जो अस्क्री अमल है हुँ. वो जिस तरफ हम पहुंचना चाहते हैं वहां हमारी मदद नहीं करेगा ना ये तो एक सिर्फ कहते हैं ना इंतकाम की आग बुझाने के लिए हम कहते हैं कि यदि हम भी हमला कर देंगे वो भी। नहीं ये गलत बात है हुँ. मकसद अफगानिस्तान में अमन कायम करना है और पाएदार अमन कायम करना है हुँ. सबसे बड़ा सवाल यह है अमरीका के साथ जिनके साथ हमारे सत्तर साल से ताल्लुक हैं वो ये है कि क्या वो अफगानिस्तान में पाएदार सियासी बुनियादों पर अमन चाहते हैं या नहीं अभी ये नजर आया और जो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इशू उन्होंने आ, रेज भी हुआ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो है जो जिहादी तंजीमें हैं वो अमेरिका के लिए खतरा है इस बात को समझना पड़ा ना हमें थोड़ा सा समझ ये आई है कि वो उनकी नजर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर है उनका ये ख्याल है कि जी अगर जो की जो बड़ी देर से, से वो कह रहे हैं कि जी अगर ये हथियार जो है किसी तंजीम के हाथ लग गए तो ये खराबी हो जाएगी, वो जाएगी। इस तरह के वो मामले مستقل रेस कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि जी सिर्फ चंद अशखास के ऊपर है कि जी ये हमें दे, दे दें तो मामला हल हो जाएगा ये कंसर्न किस हद तक बढ़ सकता है मतलब आ, आ, आप ये कह रहे हैं कि ट्रिगर इसलिए हुआ है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्स को हमेशा से सस्पिशियस ही देखते जी, रहे इट्स वन ऑफ द घंटों में कोई हमले की जो बात कर रही के बारे में गुफ्तु कोई अमल लेना भी चाहे तो मेरे ख्याल में उसकी नोयत ज्यादा मुआशी या मालियाती होगी मैं अगेन आपके से नाजरन को ये तसली देना चाहता हूँ जो है कोई इसमें हमें सरासीनगी की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें अजम के साथ अल्लाह वी, वी अच्छा, लेकिन लेकिन हमें, हमें, अमरी, अमरीका में की और अब जो आपके हरीफ हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोग थे वो अमरीका की जुबान बोलते थे जी पहले अपना घर साफ करना है अपना किबला दुरुस्त करना है बल्कि चौधरी ने भी कह दिया कि जो ये बात कर रहा है वो असल में उनको मजबूत कर रहा है घर हाँ. साफ किया न किया आज भी अगर रद्दाद हो रहा है किसी के खिलाफ तो हो रहा है ना अपना घर साफ कर रहे हैं तो ये कह देना की जी कोई मौजूद नहीं और सारे मसले हल हो गए वो तो बिल्कुल ही गैर हकीकी गुफ्तु है ना ये इनकी बाकियात मौजूद हैं जो दो दो बुनियादी बातें अमेरिका से बार बार करते हैं और करते जाएंगे पहली बात जो है कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग हम अपनी सरजमीन पर नहीं लड़ेंगे नंबर वन और नंबर टू वो ये है कि पाकिस्तान में अब किसी और किसी और की जंग भी लड़ेंगे कि नहीं है जैसे इतिहाद बन रहा है उसके अंदर भी बहुत सारे एंगल्स हैं लोग कहते हैं कि जी हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं लोग कहते हैं कि कि हम, हम हम हमारी पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान की सरजमीन और इस मिट्टी के एक एक जर्रे का दिफा है। तो आप सऊदी इत्याद का भी हिस्सा हम, हम, हाँ। हम उसका हिस्सा हैं हम उसका हिस्सा सिर्फ हम उसका जो मिलिट्री पोर्शन है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे ना उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो वो अभी आप इस पर गौर नहीं किया गया कि जो उनके इब्तदाई उन्होंने एक एम्बिशन था एक अलायंस बनाने का

तो इस्लामाबाद में सारे सबूत कौन के सामने रख दूंगा कौन से सबूत है नहीं सबूत तो वही बेहतर बता सकते हैं वो वजे आजम इस मुल्क के एक दफा नहीं तीन दफा उनकी काबीना का, का हिस्सा जी जी मैं उनका हिस्सा रहा हूँ लेकिन वो फैसला उन्होंने करना है जो हमने देखा है वो ये है कि एक ऐसी जमात जिसके सरबरा कनेडियन शहरी है और जो पाकिस्तान में मुस्तकिल आम पजीर भी नहीं है वो वक्ता फवक्ता तशरीफ लाते हैं इस दफा वो तशरीफ लाए हैं और वो एक ऐसी जमात है जिसका पूरे मुल्क में एक मुंतखब मुकामी काउंसलर भी नहीं है ये बात हमें जहन में, में रखनी चाहिए और अचानक उस दरबार पर पचास पचास सीटों वाले वो पार्टियां जिनकी सूबों में हुकूमतें हैं वो वहां उस दरबार पर हाजिरियां देना शुरू तो कर ये तो ये हमेशा होता रहा है सर आई जी आई भी बनी थी इसलिए मैंने कहा कि जमहूत का मुहासरा कभी भी जमहूरियत के चूंकि अंदर से ही मिल जाते हैं वो करम फरमा जो है तो वो मुहासरा जारी लेकिन किसी के कहने पे मिलते जी, ये तो फैसला, think, आपके नाजरीन बेहतर कर सकते हैं आ, जो है, वो यही है। और ये पर भी उतनी ही वैलिड है जितनी सिक्योरिटी और अमरीका के मामले में लेकिन, लेकिन... जुर्मे जयीफी कई आमिर करते हैं और मरगे मफाजा जमहूरी हुतों की होती है ये क्लियर पैटर्न है आपने देखा ना कि जब जमहूरीकूमतें आई है तो वो अमेरिका जो चार चार बिलियन डॉलर था उसको अचानक जो है वो बहुत-बहुत शरायतें आ जाती जा हैं ये एक हकीकत है और ये भी आपके नाजरीन के लिए लम्हा फिक्री है मेरे लिए तो है ही हम उस पर तीन साल से गुफ्तु कर रहे हैं अब ज्यादा कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने संजीदगी से दहशत गर्दी के खिलाफ अमल शुरू किया दो हजार चौदह में इन्हीं तीन सालों में अमरीका की इमदाद घटना शुरू हो गई कि जब जो वो कहते थे और थे ये ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी हुआ और आपकी हुकूमत के साथ भी तो हुआ तो हमें 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 बहरहाल एज़ आई सेड मकसद अमेरिका से बड़ा मकसद ये है हुँ. कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना है पाकिस्तान की मौशी मुस्तकबिल के लिए लेकिन लेकिन खुरम साहब जो 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 हमारे एयरपोर्ट्स जो हमारे हमारे हवाई अड्डे जनरल मुशरफ ने दिए जिनसे ड्रोन उड़ते रहे जैकबबाद दिया बगैर किसी कागज के बगैर किसी कागज के और बगैर किसी मुआवजे के बगैर किसी कुछ प्रो को के तो उनको तो आप उनका तो कोई एहतसाब नहीं होता ना जी एहतसाब जब हमने किया कि हमारी कॉम को हमने एहतसाब आग का आगाज किया और लेकिन जब अपनी सफों पर पीछे निगाह डाली तो तमाम सियासी जमातें जो हैं नहीं सियासी जमातें तो आपके साथ थी वो तो पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि आप करें सिर्फ नहीं गुरु थे जिन्होंने कहा कि आप इसको ना करें और वो ये, कहीं और ये, जा रहे ये, थे पाकिस्तान में आइन की अमलदारी कायम रखनी है इस पाकिस्तान आब... की सरजमीन के एक जर्रे का दफा करना है हम इसको इस मुल्क को इंशाल्लाह

वो आ, कोई भी उनकी हदूद में या किसी भी और मुल्क की हदूद में कोई नहीं जा सकता क्या हम ये कर सकेंगे जी हम पूरी तरह चौकन्ने और पूरी तरह तैयार हैं हालात उस दहश तक नहीं जाएंगे आप किस यकीन दिहानी के साथ कैसे यकीन आप दिला सकते हैं कि ये सब कुछ ये, हो सकता है? अगर आपका पिशावर आपका पाकिस्तान ने ये दो का पाकिस्तान नहीं है मैं फिर दोहराऊंगा जरबे अजब और बाद का पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने गालिबन तारीख की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट जंग लड़ी है तो वी आर नाउ हाईली ट्रेन और ये तमाम मामला जो है इस किस्म का जो टेक्टिकल वॉरफेयर है उसके लिए बिल्कुल सब ये वो पाकिस्तान है जिसमें आज भी तीन दफा वजी आजम रहने वाला शख्स ये कह रहा है कि अगर हमने अपना घर दुरुस्त किया होता और हमने करने के हमने कहा तो हम पे डॉन लीग थोप दी गई जी इसीलिए अमेरिका से अमेरिका एक चैलेंज जरूर है लेकिन उतना ही बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान में जमहूरियत और अवाम का जो हकी अकमियत है उसकी अमलदारी जरूरी है अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की इंटरनल स्ट्रेंथ से आएगी पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से, अगर आएगी। है और सारे राज से बताते हैं अगर वो सबूत पेश करते हैं जो कि डी जी ने कहा था कि मरियम बीबी और मियाँ साहब के बारे में सवाल पे उन्होंने जवाब में ये कहा कि अगर कोई सबूत है तो पेश करें अगर मियाँ साहब सबूत पेश करते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो सलामती है वो बरकरार रहेगी जी आ, पाकिस्तान में आइन की अमलदारी कायम रहनी चाहिए उसके अंदर रहते हुए बहरहाल तलक हकीकतों के सामने करना पड़ेगा हमें देखिए ना ये जो जो बात मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं देखिए हमारे पास इलेक्शन में जाने के लिए बिजली का हमने अचीवमेंट है गैस की अचीवमेंट है हमारे पास अल्लाह के करम से अमन की अचीवमेंट है लेकिन अब अगर तमाम चीजें हासिल करने के बाद अवाम तक पहुंचाने के बाद अगला चैलेंज ये भी तो है कि पाकिस्तान ने आगे भी तो जाना है तो यहां अवाम का भी तो स्टेब्लिश करना ताकि एक इसकाम के साथ मैं फिर दोहराऊंगा सियासी इस्तकाम के बगैर मौशी इस्तकाम नहीं आएगा नहीं। और माशी इस्तकाम के बगैर पाकिस्तान उस तरह मजबूत नहीं होगा कि अमरीका और दूसरे चैलेंजेस का पूरी तवानाई और ताकत से मुकाबला कर से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सुन रहे थे पाकिस्तान के वजीर दिफा को जो ये कह रहे हैं कि हमारी अफवाज चुकन्ना है अमेरिका अगर कोई ऐसा एक्शन लेगा तो हम उसका रिएक्शन भी देंगे लेकिन फिर भी हमें सोचना होगा आ, पाकिस्तान को बहुत अहम दिनों अहम फैसलों का और बहुत अहम इकदाम का सामना अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों में करना पड़ेगा कर किया जा सकता है उसके लिए हम सब तैयार हैं हमारे इदारे एक पेज पर हैं एक सफ़े पर हैं या नहीं और क्या अवाम भी मुतहद है या नहीं ये आपने सोचना है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है फैसला आपका